दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में 78 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। जब साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज टोनी डी बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक साउथ अफ्रीका अच्छी स्थिति में थी, लेकिन उनके आउट होने के साथ ही भारत ने वापसी की। दोस्तों केशव महाराज जब बल्लेबाजी करने आए तब स्टेडियम में राम सिया राम गाना बज रहा था। इसे देखकर केएल राहुल खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने केशव महाराज से इसको लेकर सवाल ही पूछ लिया। दरअसल जब केशव महाराज बल्लेबाजी करने आए तो वह खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। विकेट गिरने के बाद दूसरे बल्लेबाज के आने तक स्टेडियम में फैंस के लिए मनोरंजन के लिए म्यूजिक बजता है। इस दौरान स्टेडियम में राम सिया राम गाना बज रहा था। भारतीय कप्तान केएल राहुल विकेट कीपर हैं तो वह बल्लेबाज के करीब खड़े थे। केशव महाराज जब आए तो राहुल ने उनसे पूछा, जब तुम आते हो तो यही गाना बजता है। इस पर केशव महाराज भी हंस पड़े। दोस्तों आपको बता दें कि केशव महाराज वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ विनिंग पारी खेली थी। बस इसी वजह से केशव महाराज को एक अलग पहचान मिल गई। दोस्तों आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के केशव महाराज भारतीय मूल के हैं और इसी वजह से स्टेडियम में ये गाना बजाया गया था। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक ये जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।